नमस्कार, आप देख रहे खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रिया। भोसले को दिल में रख कर किया गया प्रयास अक्सर ऊंचाई पर ले जाता है और उड़ान भरने वाला शख्स एक न एक दिन अपना स्थान बना लेता है। सरदारपुर तहसील के छोटे से गांव चोटिया बालोद, जिसकी आबादी 1600 के करीब है, उस गांव के गरीब किसान के बेटे सुनील पाटीदार का चयन विशेष सशस्त्र बल भोपाल में सब इंस्पेक्टर के पद पर होने से गांव में उत्साह का माहौल है। सोमवार को जब सुनील पाटीदार गांव पहुंचे तो परिवार एवं गांव के लोगों ने उनका ढोल धमाकों के साथ कंधे पर उठाकर जुलूस निकाल कर स्वागत किया। गाँव के श्री राम मंदिर में परिवार के सदस्यों के साथ सुनील पाटीदार ने भगवान का अभिषेक भी किया, वो पोशाक चढ़ाई और आरती की गयी एवं मिठाई का वितरण भी किया गया। सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए सुनील पाटीदार ने बताया कि मैंने कक्षा पहली से दसवीं तक की पढ़ाई माँ उमिया पाटीदार हाई सेकेंडरी विद्यालय दसई से की। दसवीं और बारहवीं तक की पढ़ाई हाई सेकेंडरी स्कूल दसई में की, जिसके बाद ग्रेजुएशन ध्वज मुक्त विश्वविद्यालय दसई से किया। ग्रेजुएशन के बाद MPSI की तैयारी इंदौर से की। प्रथम प्रयास में 2 नंबर से रह गया, दूसरे प्रयास में भी 1 नंबर कम होने से रह गया, तीसरे प्रयास में सफलता प्राप्त हुई और विशेष सशस्त्र बल भोपाल में सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टिंग हुई है। मुझे इस योग्य बनाने में मेरे माता पिता एवं भाई मेरे गुरुजी का भी सहयोग रहा। हमारे हमारे बच्चे की बहुत खुशी है कि हमारा बच्चा इतना बड़ा बन गया। हमें माता रानी की आशीर्वाद से हमारा बच्चा इतना बड़ा हुआ कि हमको बहुत खुशी थी मालिक ने। आज वहाँ पे पुलिस बन के आए तो आपको कैसा क्या महसूस हुआ? हमको बहुत खुशी हुई, हमारे काम वालों के हमारे साथ में बहुत खुशी हुई कि हमारा बच्चा इतना बड़ा बन गया कि सर इंस्पेक्टर बन गया। आपकी जो पढ़ाई कहाँ पर हुई और कैसे क्या आप यहाँ तक पहुँचे हो? मेरी पढ़ाई यहाँ पर शासकीय स्कूल में हुई, शासकीय स्कूल से हुई और फिर उससे आगे बिहार के लिए प्रस्थान किया था, जहाँ पर मैंने चिकित्सा के विभाग में पढ़ाई करना प्रारंभ किया, लेकिन वहाँ मैं कुछ तरीके से सफल नहीं हो पाया और वापस मेरा छोड़ के मेरे ऊपर लौट आया था। शायद मैंने फिर वापस पापा के साथ में भैया के साथ में खेती करने का उनको सपोर्ट करने का विचार बनाया था, लेकिन मैं कुछ उस चीज़ से संतुष्ट नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर मेरे गुरुजन महेश पाटीदार सर और अपने खास उनका मुझे काफ़ी सहयोग रहा, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और पुनः एक बार फिर मैं पढ़ाई के लिए वापस गया और मेरी जो पढ़ाई थी वो भोज मुक्त विश्वविद्यालय से, जो कि हमारे दसई शहर में ही संचालित होता है, जहाँ से मैंने BSc फाइनल ईयर किया और उसके बाद मैंने फाइनल करने के बाद फिर इंदौर के लिए मैं पढ़ाई करने के लिए गया, जहाँ पर मेरे सर गुरु श्री अजीत सिंह राठौर सर ने मुझे काफ़ी प्रेरणा दी और उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी इस बात की कि आप। सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।